बुलेटिन जिसमें हम नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। फरीदाबाद पुलिस ने मिशन जागृति के साथ शुरू किया नशा मुक्ति फरीदाबाद अभियान। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर होगी पूर्णतः रोक। फरीदाबाद में 1 जुलाई से कहा डीसी जितेंद्र यादव ने। आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने भी मनाया। अग्निवीरों को हरियाणा सरकार में गारंटी के साथ मिलेगी नौकरी। सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। पानीपत में बड़ा सड़क हादसा। हिमाचल रोडवेज को टूरिस्ट बस ने मारी टक्कर 12 यात्री हुए गंभीर घायल। करनाल में खालिस्तान समर्थन में दीवारों पर लिखा स्लोगन। वीडियोग्राफी के बाद कराया गया पेंट। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर शक्ति सिंह। 3 साल से थी शूटर की तलाश। महाराष्ट्र में साहूकारों ने कर्ज देकर वनमोरो बुधाओं को किया था जली। 9 लोगों के सुसाइड केस में बड़ा खुलासा। देश में कोरोना के मामले में फिर तेजी आने लगी है। दिल्ली मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 10% के पार चला गया है। बढ़ते कोरोना के लिए ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। इस्लामिक देश में योग कर रहे लोगों को भीड़ ने भगाया। राष्ट्रपति ने दिया जांच का आदेश। फातिमा पेमैन ने पिता से ली संघर्ष की प्रेरणा। अब बनी ऑस्ट्रेलिया की पहली हिजाब महिला सांसद। सस्ते तेल के बाद अब दूध से भारत को हो रहा है बड़ा फायदा। कांग्रेस नेता अलका लांबा का हंगामा। कहा शांति से बैठी हूँ कानून नहीं तोड़ रही। यशवंत सिंह बने विश्व के राष्ट्रपति उम्मीदवार। 27 जून को करेंगे नॉमिनेशन। आरजेडी के बाहुबली विधायक आनंद सिंह को 10 साल की जेल। घर में मिली थी AK-47। 70 साल की उम्र में दूसरी शादी करने जा रहा था डॉक्टर। गवाएं 1,80,00,000। पबजी मर्डर के केस में पुलिस ने पिता और बेटे से पूछताछ की तो आए 2 अलग बयान। पिता के मुताबिक बच्चे ने मां का कत्ल किया है क्योंकि वह डांटती थी, लेकिन बच्चे ने तीसरे शख्स का जिक्र किया। दिल्ली में 8 साल की बच्ची से रेप करने वाला निकला HIV पॉजिटिव। मासूम का भी कराया टेस्ट। बस में हुआ शोएब इब्राहिम का बर्थडे सेलिब्रेशन। पत्नी दीपिका काकर ने गिफ्ट किए 77,000 की सिल्वर। पति संग थाईलैंड में हनीमून मना रही नयनतारा। सामने आई रोमांटिक फोटो। आज की खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ NCR।